इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, कि आपने 50 साल लगभग अपनी जो आयु की शिक्षा के क्षेत्र में बिताई, हाँ हाँ, तो उसमें आपने बच्चों को कैसा कैसे मोटिवेट किया और कितना सारा वो सफल हो पाए, इस बारे में आप देखिए। रमेश जी, मेरा जो जीवन है जी, वो इस प्रकार का रहा है जी सर, कि मेरी जितनी भी शक्ति मैंने अर्जित की है, ज्ञान की, बौद्धिक शक्ति, आर्थिक शक्ति जितनी जी, वो मैं चाहता हूँ कि सारा समाज के लिए लगाऊँ जी। अपने बच्चों के लिए भी मैंने काफ़ी किया है जी, लेकिन अब मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि समाज के लिए मैं लगाऊँ जी। और मेरा एक मानना है कि या तो किसी काम को करो मत जी, और करो तो उसको दबा के करो जी सर। अभी 50 साल लगभग मैंने शिक्षा क्षेत्र में काम किया, मैंने बहुत दबा के काम किया, बहुत मेहनत की जी। और अब मैं इस गाने लेखन के कार्य में काम कर रहा हूँ जी। इसमें मैं अपना YouTube चैनल बनवाया है चिमलिक जी, उसमें 37 वीडियो डाली हुई हैं जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन 37 वीडियो में लाइन ही नहीं, बिल्कुल एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो समाज को हानि पहुँचाने वाला। सर, तो मैं चाहता हूँ कि भी लोग इसको सुने, खासकर युवा वर्ग इससे प्रेरणा लें और भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं उनको बचाए रखने में सहयोग दें जी। मैथमेटिक्स के आप 89 में शायद मैंने जहाँ तक सुना है गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो वहाँ से क्या मैसेज देना चाहिए कि आप देखिए रमेश जी, ऐसा है कि मेहनत एक बहुत बड़ी ताकत है जी। मेहनत करके आप कितनी भी ऊंचाइयों तक जा सकते हो जी। जब मैंने MPhil में एडमिशन लिया पॉलिटिकल साइंस में जी, तो हमारे गुरुजी थे गांधी जी, और उन्होंने ये कहा था कि आप स्कूल के अध्यापक हो, आप ये कोर्स नहीं कर सकते जी। तो मैंने ये कहा था कि मैं प्रयास करूंगा जी। रमेश जी, ये तानना मेरे को चुभ गया जी, और मैंने 2 वर्ष तक इतना काम किया कि मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजिशन ली और मैं MD यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जी सर। तो मेहनत के आगे भगवान भी जी हार मान लेता है जी। और यही मेरा लक्ष्य रहे कि भाई मैं अपनी मेहनत करूं, अपने बच्चों की भी मेहनत कराऊं जी। और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत बड़े काम किए जी सर। अब गायन और लेखन में भी मैं काम कर रहा हूं जी। और शायद ये जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं उनको बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं जी सर। गायन के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में मैं क्यों आया, मैं इसलिए आया क्योंकि आजकल जो गंदे गाने सुन रहे हैं, मैं गंदे गाने बहुत सुनता हूँ जी, लेकिन उनकी तर्ज पकड़ता हूँ, उस पर ज्ञान के बुद्धि के गाने लिखता हूँ जी। तो मैंने सोचा कि ये जो भद्दे गाने चल रहे हैं जो समाज पर कुप्रभाव डाले हैं, विशेषकर युवा वर्ग पर जी सर, इस कुप्रभाव को मैं अपने प्रयासों से कम करने की कोशिश करूँ जी। और यही मेरा अब उद्देश्य चल रहा है जी। सर, एज ए प्रिंसिपल और एज ए टीचर क्या डिफरेंस रहा? देखिए, एज ए प्रिंसिपल एज ए टीचर में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एज ए प्रिंसिपल भी मैं पढ़ाता हूँ जी। आज भी मैं सुबह 2 पीरियड लेकर आया हूँ जी। और टीचिंग जो है ना, वो प्रिंसिपल हो चाहे लेक्चरर हो चाहे अध्यापक हो जी, टीचिंग तो सबसे पहले होनी चाहिए जी, क्योंकि टीचिंग बिना तो बात नहीं बनती जी। देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज है, अगर हम उसको नहीं देंगे जी तो हमारे अंदर वो सड़ जाएगा जी। इसलिए ज्ञान जो है वो देने के लिए है जी, ज्ञान देने से घटता नहीं, ये बढ़ता है जी। इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं अब भी जो ना शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ। आज मेरी आयु 75 हो चुकी है जी, लेकिन जैसा आप देख रहे हो मेरी आवाज, 1965 में मैंने स्टार्टिंग की थी गवर्नमेंट हाई स्कूल बाली आनंदपुर से जी। उस समय के मेरे बच्चे मिलते हैं, मेरे 5 उच्चारते हैं, बोलता हूँ मैं तो कहते हैं जी ये तो 1965 की ही आवाज बोल रहे हो जी। भाई, भगवान की कृपा है, जो कृपा है, मैं ये बात भी आपको बता देता हूँ कि जब आदमी अपनी जिंदगी, अपनी शक्ति समाज के काम में लगाता है जी, तो भगवान उस आदमी को उतनी ताकत देता रहता है गैल गैल जी, तो उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती। यही मेरे साथ बन रहा है, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, भगवान मेरी ऊर्जा को दे रहा है और मैं उस ऊर्जा को समाज हित में लगा रहा हूँ जी। तो जब मैंने आपके पास एज ए टीचर काम किया, तो आपने टीचिंग की जो परिभाषा बताई थी कि टीचर इज लाइक ए कैंडल, इट इज बर्न टू हिमसेल्फ एंड लाइट टू अदर्स, टीचर एक उस मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देता है, इस बारे में देखिए एक कोटेशन है जी, ए कैंडल बर्न्स टू गिव लाइट टू अदर्स जी, एक मोमबत्ती जलती है दूसरों को रोशनी देने के लिए जी। इसी प्रकार एक अध्यापक है, वो दुख उठाता है जी, दूसरों को सुखी बनाने के लिए जी, दूसरों को ज्ञान देने के लिए, इसलिए ये कोटेशन मैंने बनाई है, ए टीचर बर्न्स टू गिव लाइट टू अदर्स जी। बर्न्स का मतलब है मेहनत करता है ताकि दूसरों को ज्ञान प्राप्त हो और वो सीखे, ये मेरा प्रयास है।
ये मेरी परिभाषा। बहुत बहुत शुक्रिया।